आज हम बनाएंगे भिंडी की बहुत ही टेस्टी लाजवाब सी सब्जी। ये सब्जी एकदम खिली खिली टेस्टी बन करके तैयार होगी। इसे आप टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने पाव भर भिंडी को बीच से कट करके ले लिया है और साथ में एक बड़े साइज के आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। एक प्याज को कुछ इस तरीके से कट करके ले लिया है। दो हरी मिर्च और लहसुन को भी मैंने बारीक कट करके ले लिया है। अब हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई गरम करेंगे और कढ़ाई गरम होने के बाद हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल के गरम होने के बाद हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा चटकने के बाद हम इसमें हरी मिर्च और ये लहसुन भी डाल देंगे। इनको कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें एक साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। इसे भी एक दो सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें आलू डाल देंगे और आलू को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। आधा चम्मच के जितना हल्दी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू को हम इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे और ये आलू हमारे थोड़े थोड़े पक चुके हैं। हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को भी हम एक मिनट के लिए पका लेंगे। एक मिनट के बाद हम इसमें ये भिंडी ऐड कर देंगे और भिंडी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम भिंडी को ढक के पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे चेक कर लेंगे ताकि भिंडी जो है चिपके नहीं। भिंडी हमारी लगभग पक चुकी है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और धनिया पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और दो तीन मिनट के लिए और पकने देंगे। दो से तीन मिनट के बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और गरम मसाला को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे एक मिनट के लिए और पकने देंगे। और ये हमारी भिंडी की जो सब्जी है बन करके तैयार है। हम इसे बाहर निकाल के सर्व कर लेंगे और ये हमारी बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बन करके तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।